हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। एंड गाइज, इस वीडियो में हम सीखने वाले कि आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में व्हाट्सएप बटन को कैसे ऐड करना है। जैसा गाइज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे वर्डप्रेस वेबसाइट लॉगिन किया हुआ। एंड गाइज यहाँ पे हम व्हाट्सएप बटन लगाएंगे। तो व्हाट्सएप बटन लगाने से क्या होगा गाइज, अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो डायरेक्टली गाइज आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट में व्हाट्सएप का बटन वहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले हमें अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन कर देना है। एंड लॉगिन करने के बाद गाइज हमें एक प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा है प्लगइन्स, एंड यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे काफी सारे प्लगइन आपको शो करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लगइन को सर्च करना है। तो गाइस आपको यहाँ पे लिख देना है क्लिक द चैट, ठीक है। क्लिक चैट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्लिक चैट लिखना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक चैट लिखेंगे तो क्लिक चैट लिखने के बाद गाइज यहाँ पे आपको काफी सारे प्लगइन शो करते हैं। बट गाइज यहाँ पे जो सिंपल सा प्लगइन है उस प्लगइन का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लिक टू चैट होली थीम्स करके आपको शो करेगा। इस पे गाइज आपको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे हमें इंस्टॉल नाउ कर देना है, यानी कि इंस्टॉल नाउ पे हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब गाइज जैसे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन पे आपको शो करेगा, इस पे हमें क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इस प्लगइन को गाइज हमें एक्टिवेट करना है। एंड जैसे एक्टिवेट करेंगे तो हमें कुछ सेटिंग करनी होती है। एंड सेटिंग करने के बाद गाइज हम यहाँ पे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में व्हाट्सएप बटन को लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको एक्टिवेट करके शो करेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज हमें कुछ सेटिंग करनी है। अब सेटिंग करने के लिए हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पे आपको देखा क्लिक टू चैट, इसके सेटिंग पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, तो आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो फॉर एग्जाम्पल गाइज मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर हो गया। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे फ्री फील्ड मैसेज, तो यहाँ पे गाइज आपको एक मैसेज दे देना है, जो भी आपको क्लिक करेगा तो आपको ये वाले मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। तो उस तरह का आपको यहाँ पे लिखना होगा। एंड उसके बाद गाइज जैसे आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे कॉल टू एक्शन, यानी कि गाइज आपको जब आपकी वेबसाइट में व्हाट्सअप बटन दिखेगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हाट्सअप अस्कर का आ रहा, तो जो भी चीज़ आप लिखोगे वो गाइज यहाँ पे आएगा। तो आप गाइज इसको यहाँ पे ऐसे रहने दे सकते हैं। उसके बाद नीचे हम यहाँ पे स्टाइल पोजीशन पाएंगे, तो यहाँ पे गाइज आपको स्टाइल दिख रहा है, अलग अलग स्टाइल। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट साइड में नीचे, यानी कि किस स्टाइल में आपको ये चाहिए, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैं जो भी स्टाइल में क्लिक कर रहा हूँ उस हिसाब से गाइज आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला गाइज यहाँ पे, ये वाला भी अच्छा लग रहा है, इसको भी आप रख सकते हैं। तो जो भी स्टाइल आपको रखना है उसको आप रख सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये वाला यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपको दिख रहा है ओपन लिंक, तो डेस्कटॉप यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर न्यू टैब आपको दिख रहा है, पॉपअप आपको दिख रहा है, एंड सेम टैब आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो पॉपअप भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो पॉपअप करके आएगा। एंड यहाँ पे न्यू टैब भी आप कर सकते हैं, बट पॉपअप भी यहाँ पर ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप यूआर स्ट्रक्चर, इसको डिफॉल्ट गाइज आपको यहाँ पे रहने देना है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे मोबाइल में, तो मोबाइल में भी गाइज आपको यहाँ पे डिफॉल्ट रखना है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप करके आपको दिखा दे रहा है। अगर हमें इसको हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको डेस्कटॉप में नहीं चाहिए तो आप इसको हाइड कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे शो करना है, हमें डेस्कटॉप में भी दिखाना है एंड यहाँ पे मोबाइल में भी दिखाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल है, तो ग्लोबल गाइज आपको यहाँ पे रखना है। एंड उसके बाद यहाँ पे होम पेज है, तो होम पेज गाइज आपको यहाँ पे सेटिंग सब रखे हुए हैं। आपको कोई भी, अगर आपको पोस्ट में पेज में ये सब चीज़ें नहीं चाहिए तो उसका आप हाइट कर सकते हैं। अगर जैसे मुझे इसमें चाहिए तो उसको, इसमें नहीं चाहिए तो मुझे हाइट कर देना है। कैटेगरी में अगर आपको नहीं चाहिए तो हाइट कर देना है। फोर इसमें भी आपको नहीं चाहिए हाइट करना है, यानी कि जिस पेज या पोस्ट में आपको चाहिए नहीं चाहिए उसको गाइज आपको यहाँ पे टिक एंड यहाँ पे अनटिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे गाइज आप पोस्ट आईडी आपको दिखाई दे रहा, इसको भी गाइज आपको छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है। कैटेगरी वगैरह नए में आपको छोड़ देना है। एंड हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड स्क्रॉल करने के बाद गाइज आपको दिखा दे रहा कि हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे सेव चेंज पे आपको दिखा दे रहा, इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन करेंगे, अभी तो आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे गाइज व्हाट्सएप बटन आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दिखा रहा है गाइज यहाँ पे व्हाट्सएप बटन आ चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पॉपअप आएगा एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे चैट मैसेज आ जाएगा, ठीक है। क्या मैसेज आएगा वो भी गाइज आपको यहाँ पे शो करेगा। एंड कंटिन्यू टू चैट पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली गाइज आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में व्हाट्सएप चैट बटन लगा सकते हैं, इसलिए आप लगा सकते हैं। नॉर्मल
सेटिंग है, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें गैस आपको इसके सेटिंग में जाके मिल जाता है। तो आई होप कि गैस आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में व्हाट्सएप चैट बटन लगाना है और क्या क्या चीज़ें सेटिंग हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें गैस आपको यहाँ पर मिल जाता है। और गैस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड गैस फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गैस आप लोगों का अपना ध्यान रखना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।